हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट और मेरा नाम है हिमांशु। टुडे वी गोना टॉक अबाउट लग्जरी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि पीपल वर आस्किंग मी सारी चीज़ों के बारे में, तुम लग्जरी लड़ा देते हो और लग्जरी है क्या बेसिकली, व्हाट इज लग्जरी फॉर यू। एंड बेसिकली लग्जरी का डेफिनेशन जो अगर हम गूगल करते हैं तो एक कम्फर्ट जोन में कम्फर्टेबल रखना इज अ लग्जरी, गिविंग यू कम्फर्ट थिंग। नहीं तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी रियल एस्टेट तो अबेंडेंस में कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि इतना अबेंडेंस में नहीं होता। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली सारी चीज़ें लग्जरी की जो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट्स अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पीपल। लाइक समबडी, अ पर्सन लाइक एक्स या कोई भी बंदा हो इसके बारे में बात करें, उनके लिए एक लोकेशन भी लग्जरी हो सकती है। किसी के लिए उस लोकेशन पर प्लॉट लेना और उस पर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराना इज अ लग्जरी। देवोस पीपल, अगर हम पुराने टाइम में अगर दिल्ली की बात करें तो डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेंबरशिप लेते थे, एक अपार्टमेंट में घर लिया, सीजीएचएस की अपार्टमेंट, क्योंकि उसमें एमिनिटीज होती नहीं थी, तो एमिनिटीज के लिए दे पीपल आर गोइंग टू अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वो लुत्फ लेते थे आपकी एमिनिटीज की। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो डीडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते थे, रहते थे फ्लैट्स में, जाते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब फिर अपग्रेडेशन हुआ, अपग्रेडेशन में क्या हुआ कि आपके अपार्टमेंट में ही आपको एमिनिटीज़ मिलने लग गई बेसिक, जिसमें आपको क्लब हाउस में थोड़ा स्विमिंग पूल मिलने लग गया, आपको थोड़ी बेसिक गेमिंग के लिए एमिनिटीज़ मिल गई, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी बड़ा होता था। हाँ, इसमें आपको बेसिक एमिनिटीज़ मिलती थी जो कि आप खेल सकते हो, खेलने के लिए जो चीज़ें होती थी वो प्रोवाइड हो जाती थी। अब आज की डेट में वो ट्रेंड जो चेंज हुआ है, ट्रेंड ये ऐसा चेंज हुआ है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको तीन कैटेगरीज में लग्जरी मिल रही है। जैसे एक आपकी हाई डेंसिटी में कम बजटेड लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, देर इज क्लब हाउस, आपकी बेसिक लेवल पे आपको लग्जरी मिल जाता है। दूसरा आपको जो है उससे हाई एंड चीज़ों में, लाइक पीपल आर स्टेइंग, जहाँ पे आपको बेसिक लेवल पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक से अपग्रेड वर्जन में मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो आपकी एमिनिटीज होती है वो थोड़े ओलंपिक साइजेस के रहने वाले होते हैं। सारी एमिनिटीज़ नहीं होती, जितनी भी होती है उसमें ओलंपिक साइजेस के आपके बैडमिंटन कोर्ट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, और भी चीज़ें हो गई जो ठीक ठाक डेवलपर्स बना रहे हैं। तीसरा आ जाता है आपका अल्ट्रा लग्जरी, जिसमें आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड हो जाती है, जिसमें इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज की, तो जैसे सर्विस अपार्टमेंट में रहते हैं आपको 5-7 स्टार जो फैसिलिटीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो ये तीन कैटेगरी में होता है और तीनों कैटेगरी के अलग अलग बजट है। अगर हम इस वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड, अगर हम गोल्फ कोर्स रोड से शुरू करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ब्रांड के अलग अलग चीज़ें, वैसे मेजरली BLF है, फिर हमारी सीजीएचएस अपार्टमेंट आ जाती है या बिल्डर फ्लोज आ जाते हैं। बिल्डर फ्लो वाले, मेरा एक दोस्त है बिल्डर फ्लो में रहता है, उन्होंने लीला में अपनी मेम्बरशिप ली हुई है क्लब हाउस की या जिम की, जो भी आपके जो मेम्बरशिप होता है, ही इज़ पेइंग ठीक ठाक पैसा दे रहा है वो लीला में, और उसकी फैमिली वाले भी लीला में दे रहे हैं, साथ ही उनको वो एमिनिटीज़ मिल रहे हैं और पास के पास रह रहे हैं, तो उनके लिए वो लग्जरी उन्होंने कैब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे जा रहे हैं। अब तो अगर हम और भी चीज़ें, और भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जैसे हाई एंड प्रोडक्ट हो गए, जैसे अरानियाज था, अरानिया के बारे में बात करें, कमीलियाज के बारे में बात करें, जो DLF के क्रैश के बारे में बात करें, इन्होंने आपको पहले तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक एमिनिटीज़, इन्होंने एड ऑन करी है कि टेम्परेचर कंट्रोल जो आपको 5-7 स्टार होटल में मिल रहा है वो चीज़ आपको इन हाउस मिल जाती है। आप घर से नीचे उतरते हो, आप बुक कराते हो, इफ़ यू वांट टू यूज़ जकूजी या टाइप टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अपना स्पोर्ट्स का जो एमिनिटी विथ यू, वो लाइक टू प्ले स्क्वाश, बैडमिंटन या गोल्फ के लिए चिपिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए आप एक टाइमिंग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा एक कॉल पे आपकी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाती है। बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बारे में बात करी जाए, या आपके द्वारका एक्सप्रेस वे में बात करी जाए, या आपके इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट SPR, तो इन सारी लोकेशन पे अब अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अच्छे ब्रांड्स के आ रहे हैं। व्हाट दे आर मेकिंग डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वहाँ पे सेंट्रल पार्क आ रहा है। सेंट्रल पार्क वन आप उठाकर देखिए, इन्होंने सर्विस अपार्टमेंट का ट्रेंड शुरू करा, उसको भी अपने तरीके से इन्होंने निभाया। कंपनी कंस्ट्रक्शन भी करती है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, इनका ओरिएंटल कंस्ट्रक्शन का फर्म है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपका जो सोना का आपका एलिवेटेड रोड है, इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करा है।
प्लस इनकी आपकी बैक्सी ब्रांड है जो आपकी इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बनाते हैं ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स। प्लस अगर इनको बताया जाए थर्ड इनके पास ले मेरिडियन होटल उतार इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेट कर रहे हैं होटल चेन सर्विस इनको पता है कि किस तरीके से देना है उसी वजह से ये कामयाब है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आए तीन लोकेशन पे लेकर आए एक सोना में गॉन्फोर्स रोड पे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गॉन्फोर्स रोड NH8 के पास ही वहाँ पे लेकर आए तीसरा सोना में लेकर आए आपका सोना रोड अलग हो गया आपका सोना में अलग हो गया सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली हो गया बेना वेस्टा हो गया सेंट्रल पार्क वन हो गया तो इन्होंने आपको सर्विस दी जो कि लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ थी लग्जरियस एमिनिटीज़ के साथ थी लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर पोन्स इन्फिनिटी पोन से लेकर आपका इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रूफ पे भी आपको एमिनिटीज़ इन्जॉय करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल पार्क अकेला ऐसा डेवलपर नहीं है इवन DLF ने भी ये करा है। अब और भी डेवलपर्स हैं जो इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्रोवाइड कराना एक चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट आ रहे थे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट दे आर गिविंग यू दीज फैसिलिटीज जिन्होंने पहले कर दिया वो तो हम यकीन कर सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं कर दिया ऐसे बहुत सारे डेवलपर हैं कि 106 में भी है इलान का इलान ने कमर्शियल बना कर दिया वो भी लग्जेरियस सेगमेंट में दे आर टॉकिंग अबाउट कि दे आर बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट 106 सेक्टर में जो कि प्रोडक्ट आने के बाद मेंटेनेंस देखेंगे कि मेंटेन कैसे रखेंगे इलान वाले तो उससे उनका ब्रांड बनेगा डेवलप होगा कि हाँ इन्होंने ये प्रोडक्ट लेकर आए और उस हिसाब से दे आर डेवलपिंग दिस। ऐसे ही अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक और प्रोडक्ट की बात करी जाए तो हम बात कर सकते हैं शोभा का। तो शोभा पहला तो इनका आर्किटेक्ट यूनिक है फिर आपके क्लब हाउस इन्होंने जो भी फैसिलिटी जो भी हाई राइजेस में दे रहे हैं इन्होंने क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट पिच पूरा आपको दे दिया है इसमें। अगर हम और भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे पर किसी ने नहीं दिया जो शोभा ने आपको दिया पहली चीज़ उन्होंने विलास भी बनाकर दिए थे जिसके प्राइजेस अच्छे खासे अप्रिशिएट हुए बहुत टाइम से पहले ही हो गया। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें तो आपका कब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है आप जाकर L&T कम्प्लीट करने वाले हैं तो उसके बाद आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं चिंतल का लैंड बैंक है मेजरली यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं और दे विल बी लाइक यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लग्जरियस प्रोडक्ट जो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे लेकिन बहुत सारे डेवलपर नहीं है जो ये चीज़ को समझते हैं। आशियाना अनमोल है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बट वी कांट टॉप की ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है ये एक मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करा हुआ है। अगर हम ये सोना के बारे में बात करें तो सेम अगर हम सोना ही लोकेशन के बारे में बात करें तो फ्लावर वैली है दे आर गिविंग यू द सर्विसेज इनके पास 5-tier सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब हाउसेज दे हैव अ लॉन ऑफ क्लब हाउसेज लैंड बैंक 1000 acres से मैसी है। इनके पास हाई राइजेज आए थे जो 7 crore के दे हैव लॉन्ड इन सोमा जो कि ऑलरेडी बुकड है तो ये बुक क्यों है बिकॉज दे नो हाउ टू गिव द लग्जरी एंड लग्जरी इज प्राइसलेस। आप लोगों के लिए हर एक लोगों के लिए डेफिनेशन अलग होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके लिए लग्जरी का डेफिनेशन क्या है। लोगों पर डिपेंड करता है कि क्या लग्जरी है तो अगर हम बेस से शुरू करें जो लोग किराए पे रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए 4 दीवारी में रहना भी लग्जरी है और जो लोगों के पास 4 दीवारी है CGHS अपार्टमेंट में रह रहे हैं दे वांट मॉडर्न एमिनिटीज़ मिले तो उनको वो क्लब हाउस प्रोवाइड करा देता है जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लब हाउस तो क्लब हाउस में आपको ये सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है मॉडर्न फैसिलिटीज़ तो जो 4 दीवारी में CGHS अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो दे आर गेटिंग दोज में मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको उसी घर में तो आपको क्लब हाउस प्रोवाइड हो जाता है। कईयों के ये क्या है कि एक बेंचमार्क एक ब्रांड वैल्यू के साथ रहना और ब्रांड वैल्यू को समझना ब्रांडेड चीज़ों को लेना चाहे हम फरारी गाड़ियों की बात करी जाए तो फरारी हो गया लैम्बोर्गिनी हो गई या आपकी और कोई हाई एंड प्रोडक्ट हो गया जो V12 इंजन हो रहा है तो कईयों के लिए वो चलाना लग्जरी है। कईयों के लिए बाइक से अपग्रेड होकर गाड़ी लेना और गाड़ी में बैठना इस लग्जरी के AC में तो चलने वही तो आप पे डिपेंड करता है आपके लिए क्या लग्जरी है और क्या लग्जरियस प्रोडक्ट है। तो यू कैन चेक योरसेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि अभी जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं चाहे DLF 77 हो गॉल्फ़ एक्सटेंशन पे 62 हो MR का सेंट्रल पार्क आपका लेकर आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे 104 सेक्टर में तो ये सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं अल्ट्रा लग्जरी हैं इनके यूनिक पॉइंट्स हैं और इन्होंने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि इनके पास की हिस्ट्री को उठाकर देखें और इनका के लिस्टेड बिल्डर क्यों है ये और क्या डेवलपमेंट इन्होंने करी है तो ये सारी चीज़ें
ऑन पेपर्स हैं, आप इनके जो भी पास के रिकॉर्ड्स को उठाकर देख सकते हैं, और इनके इनके आप लग्जरी जो टर्म्स है कि क्या लग्जरियस चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि लग्जरी जब एंड में आप जब खरीद लेते हैं तो वो डी एंड लग जाता है कि हाँ इसके बाद कुछ नहीं है। जो लोग कमीरियाज में रह रहे हैं दे डोंट वॉन्ट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे अपग्रेड कर कर जाएंगे कहाँ पे, वो चाहे वो 50,000 का उधर या 60,000 का उधर प्रोडक्ट, वो वहीं पर रहेंगे जब तक कि कमीरियाज से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ आए उनके लिए जो गोल्फ कोर्स रोड पे है, कमीरियाज से भी अपग्रेड वर्जन हो, तब जाकर दे माइट चेंज एंड अपग्रेड देयर लिविंग। तो हर कोई चाहता है कि अपग्रेडेशन हो अपने आपकी लाइफ में और अपग्रेड चीज़ों में आप रहें। तो दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक कि हाँ हर एक बंदे के लिए अलग लग्जरी है, लेकिन ये ट्रिपल ए बिल्डर्स जो अभी नए प्रोडक्ट लेकर आए हैं, दीज आर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज विथ अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटी, चाहे हम स्विमिंग पूल टेम्परेचर बुक वाले की बात करें, जिकूजी की बात करें या स्पोर्ट्स एमिनिटीज की बात करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बखूबी बहुत ही तरीके से मेंटेन मिलेगा। बाकी आप नादा समझदार हो, आप अपना कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे टॉपिक हम हमेशा लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, और बात करते रहेंगे जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं, पुराने प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के बारे में।